तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आई होप आपको इससे पहले वाला लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि उस लेक्चर में हम लोगों ने जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आई होप वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल यूनिट थर्ड, तीन ही यूनिट आपको कंप्लीट करना है। ईमानदारी से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर जाइएगा। तो आपके जो टॉपिक का नाम है वो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो कि यूनिट थ्री के टोटल क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया है, उसको डिस्क्राइब करने की मैं कोशिश करूंगा। और इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ क्वेश्चन तो हो वह एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स अगर में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड क्या है? तो कह रहा है द फर्स्ट जनरेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एमएस डॉस 1.00 वर्ड इंट्रोड्यूस इन 1983 एंड एमएस वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इनेबल यूज टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल डॉक्यूमेंट इन अ लुकेट एंड इफिशियंट वे इन एमएस ऑफिस शूट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल दैट इज़ प्राइमरी डिजाइन फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद आपका आता है मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है और उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बीच डिफरेंस। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डैट इंस्ट्रक्ट द यूज़र एंड अबाउट द मशीन एंड टेल इट हार्डवेयर व्हाट टू डू आर कॉल्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा एंड सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स डैट डिस्क्राइब द प्रोग्राम हाउ दे आर टू बी यूज। ओके, उसके बाद आपका जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है वो आपका दो प्रकार का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डाइग्राम दिया हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका ड्रॉबैक, ड्रो द ब्लॉक डाइग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो ये बेसिक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। आप इस ब्लॉक डायग्राम को एग्जामिनेशन में जरूर बनाइएगा, क्योंकि इससे नंबर ज़्यादा गैन होता है। ओके, नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, और जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा, इनपुट यूनिट के बारे में, आउटपुट यूनिट के बारे में, स्टोरेज यूनिट के बारे में और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में, और साथ ही साथ आपका कंट्रोल यूनिट के बारे में। ओके, और अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड द रोम। ये तो काफ़ी पॉपुलर सवाल है ही, इसको तो आपको मिस कर ही नहीं सकते इसको आप। तो रैम और रोम के बीच डिफरेंस है, या आप इन डिफरेंस को लिखने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल वे में है। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन सेट से आप क्या समझते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, आप इसे भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और अपने स्तर से भी आप अपने अगर सेल्फ स्टडी करना चाहें तो चैप्टर वाइज कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। कि मैं नहीं है कह रहा कि 100% सियोरिटी है इस क्वेश्चन की, लेकिन आ सकते हैं, तो प्रिपेयर करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, और बहुत बार एग्जामिनेशन में ही पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप ही उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं या किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो उसी चीज़ों को मैंने एनालाइज किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइप कितने होते हैं, साइज ऑफ स्पेसिफाई क्या होता है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये थोड़ा सा बेसिक सा स्टेटमेंट है। और उसके बाद अगर ये अगर हम बात करें VBI, यहाँ पे लिख दिया मैंने, वो आपका फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका यूज़र इंटरफेस होता है, रनिंग प्रोग्राम्स होता है, मैनेजिंग फाइल होता है, और उसके बाद आपका मेमोरी मैनेजमेंट होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद आपका शेड्यूलिंग जॉब, शेड्यूलिंग जॉब के बाद आता है आपका इसी में टास्क मैनेजमेंट, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल नेटवर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग नेटवर्क। उसके बाद आपका सिक्योरिटी क्या होता है उसके अंदर। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपका बैच ओएस होता है, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है, आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा बड़ा करना होता है, क्योंकि पेजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके एडवांटेज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद अगर हम यूनिट टू की बात करें तो उसमें है कि ब्रीफली दे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, के फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना है, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड उसके बाद आपका कमांड इंटरप्रिटेशंस। ओके, उसके बाद आपका अगला है व्हाट इज़ द एल्गोरिथम,
एंड टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एन एरे ऑफ एन नंबर। तो ये आपका एल्गोरिथम के बारे में आप थोड़ा सा वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका जो नंबर ऑफ एरे दिया हुआ है तो उसके लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बेसिक सा प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है आप देख सकते हैं, और डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के बीच ये डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को भी कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद आपका फोर नंबर, व्हाट राइट डाउन द वेरियस डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिफरेंस है। उसके बाद एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसके बीच डिफरेंस है ये। उसके बाद एरे है क्या, एरे क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा, आप इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिएगा। मेमोरी के बारे में भी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और ये बेसिक सा डायग्राम है, डायग्राम को आप कंप्लीट कीजिएगा। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्क्राइब किया गया, उसके पार्ट के बारे में, रैम के बारे में, SRAM, DRAM। तो बस मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो वहाँ से आप जाके बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग PDF आप टाइप कीजिएगा टेलीग्राम लिंक में, और वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, ये तो रैम रोम के बारे में डिफरेंस हो ही गया था, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ये है, और ये आपका जो टाइप ऑफ मैग्नेटिक टैप है, हार्ड डिस्क है, ये भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है क्लास क्या होता है, क्लास के बारे में डिस्क्राइब किया गया, एंड इसके बाद आपका आता है कि डिफाइन द फॉलोइंग, यानी इन चीज़ों को क्या करना है हमें डिस्क्राइब करना है, जिसमें आपका कंस्ट्रक्टर आता है, वर्चुअल फंक्शन आता है, फ्रेंड फंक्शन आता है, क्लास आता है। कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसके बाद आपका वर्चुअल फंक्शन के बारे में, फ्रेंड फंक्शन के बारे में, और क्लास के बारे में, और उसके बाद टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट, स्टैटिक ऑब्जेक्ट एंड डायनेमिक ऑब्जेक्ट। और ये बेसिक सा डायग्राम है, और ये देर आर फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और टोटल 5 टाइप के इनहेरिटेंस है, जो बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम एग्जामिनेशन में बनाना होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।